नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी साहब, देख रहे हैं टीचर स्टडी यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अपना 12वां वीडियो है दोस्तों, इससे पहले 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, उनको जरूर देखें, उनके बिना ये अधूरा है, इसको देखने का कोई फायदा नहीं। इससे पहले आपके जो आधुनिक काल के 12 वीडियो मैंने अपलोड किए वो ये जरूर देखें, 11 वीडियो। त्रिलोचन जी को पढ़ रहे हैं हम, त्रिलोचन जी को हम पढ़ रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 1917 को, इनका मूल नाम था वासुदेव सिंह और वैद्यनाथ मिश्र था वो नागार्जुन जी का था, ये भी याद रखना, और इनका भी याद रखना, वासुदेव सिंह का जो मूल नाम था वो था त्रिलोचन, सॉरी त्रिलोचन जी का जो मूल नाम था वो वासुदेव सिंह था। इन्होंने जो विदेशी छंद है सानेट का हिंदी में प्रयोग किया था, और प्रमुख काव्य रचनाएं हैं देख लीजिए इनके, ताप के ताए हुए दिन, मतलब कि इसके ऊपर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ताप के ताए हुए दिन इसके ऊपर मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैं उस जनपद का कवि हूं, ये भी इनकी एक अच्छी रचना है, धरती दिगंत गुलाब और बुलबुल, ये इनकी एक और रचना है गुलाब और बुलबुल, फिर से रिपीट करेंगे हम आराम से करेंगे। ताप के ताए हुए दिन इसके ऊपर मिल गया था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैं उस जनपद का कवि हूं, इसके ऊपर इनको मिला था क्या? कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ये इनकी एक बहुत अच्छी रचना है, ये ध्यान रखना, धरती दिगंत गुलाब और बुलबुल, ये भी आपको याद रखना है। आगे शिव शिव मंगल सिंह सुमन है, और इनके देखिए 1916 के अंदर जन्म हुआ था, 2 वर्ष ये काठमांडू नेपाल के अंदर रहे थे, संस्कृति के सहचर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, इनको याद करना बहुत जरूरी है, देखिए मिट्टी की बरसात या बारात कह दीजिए, इसके ऊपर मिल गया था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, मिट्टी की बरसात या बारात पर इनको मिल गया था क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूँ कि भाई शिव मंगल सिंह सुमन तो हम आपको पता होगा कि पढ़ रहे हैं, लेकिन त्रिलोचन जी को किस रचना के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए, त्रिलोचन जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, ताप के ताए हुए दिन पर त्रिलोचन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और मिट्टी की बरसात या बारात कह दीजिए उसके ऊपर अपने शिव मंगल सिंह सुमन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये जो रचना है इसके अंदर 1961 से 70 तक की कविताओं का संकलन है, और इसमें 5 खंड है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। आगे जो बात बताई गई है कि भाई कलकत्ते का अकाल, कलकत्ते का अकाल, मेरे पावन मेरे पुनीत, ये भी इनकी एक अच्छी रचना है, एशिया जाग उठा, मास को अभी दूर है, लाल सेना, इसके ऊपर मिल गया था इनको सोवियत लैंड पुरस्कार, लाल सेना इसके ऊपर मिल गया था इनको सोवियत लैंड पुरस्कार। हिलोर, ठीक है, चल रही उसकी कुदाली, आज तो मुझ में जवानी, पढ़ ले सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, ये इनकी अलग अलग रचनाएं हैं, ठीक है, ये इनकी अलग अलग रचनाएं हैं, फिर से हम देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे भाई, 2 वर्ष तो ये नेपाल में रहते, ठीक है, मिट्टी की बारात पर इनको मिल गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आगे देखें तो कलकत्ते का अकाल, ये भी शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है, मेरे पावन मेरे पुनीत, ये भी शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है, एशिया जाग उठा, मास को अभी दूर है, लाल सेना, लाल सेना के ऊपर मिल गया था शिव मंगल सिंह सुमन को सोवियत लैंड पुरस्कार। हिलो रे चल रही है उसकी कुदाली, आज तो मुझ में जवानी, पढ़ ले सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, ये रचना है शिव मंगल सिंह सुमन जी की, आपको शायद याद हुआ होगा, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको याद करवाने की, वीडियो के अंदर ही याद करवाने की, शायद आपको याद हो रहा होगा, और अगर याद हो रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अपनी इस चैनल की जो फैमिली है वो बढ़ती जाए, बढ़ेगी तभी हम आगे कुछ और करते जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है, जो आपको मालूम होगा प्रगतिवादी कवि हैं, जिनकी देखिए प्रमुख रचनाएं हैं, हिम हास कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन इसके अंदर किया गया है, एक इनकी रचना है हिम हास, इसके अंदर कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है राम कुमार वर्मा जी ने। आगे जो देखिए रचना है वो है अंजलि है, आकाशगंगा है, अभिशाप है, एकलव्य है, ये खंड काव्य है, निशीथ है, चित्ररेखा है, बादल की मृत्यु है, राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी इसको माना जाता है, ये जो बादल की मृत्यु है ये राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी इसको माना जाता है। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं एक बार को, राम कुमार वर्मा जी को देखिए हिम हास, इस ये कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया, अंजलि है, आकाशगंगा है, अभिशाप है, एकलव्य है, निशीथ है, चित्ररेखा है, बादल की मृत्यु, ये जो है ये एक राम कुमार वर्मा जी का प्रथम एकांकी है।
अंतिम जो अपने प्रगतिवादी कवि हैं उन जिनको हम पढ़ने वाले हैं, गुरु भक्त सिंह भगत, ठीक है। इन्होंने नूरजहाँ की रचना की थी। नूरजहाँ एक महाकाव्य है जिसकी रचना किसने की? गुरु भगत सिंह ने। नागरी परचाणी सभा काशी में इसे पुरस्कृत भी किया गया था। दोस्तों ये प्रगतिवादी रचनाएं थी और प्रगतिवादी कवि थे। अब मैं एक छोटा सा आपका टेस्ट भी ले लेता हूँ ताकि आपको प्रगतिवाद के बारे में सारी की सारी जो जानकारी है वो रिपीट भी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि भाई ये वैद्यनाथ मिश्र है किसका मूल नाम था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तब तक इसका इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन है कि भाई दीपक पत्रिका का संपादन किसने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है। जो मैंने पिछला क्वेश्चन पूछा था वैद्यनाथ मिश्र किसका मूल नाम था, तो वो था नागार्जुन जी, लेकिन अब आपको बताना है दीपक पत्रिका का संपादन किस कवि ने किया था, प्रगतिवादी कवि ने किया था, तो इसका भी आंसर आपको बताना है और कहाँ से किया था ये भी बताना है। तो ये दीपक पत्रिका है जिसका संपादन किया था नागार्जुन जी ने और वो किया था पंजाब से, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, अपने मन के अंदर बिठा के रखना है इस चीज़ को। आगे अगला क्वेश्चन पूछ, हंस तथा दिनमान पत्रिकाओं का संपादन किस प्रगतिवादी कवि ने किया था, जो अभी हमने पढ़े ना उनमें से बताना आपको। हंस तथा दिनमान पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। क्या होगा? केदारनाथ अग्रवाल, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो रचना है प्यासी पत्र यहाँ के, ये किस कवि की है, प्रगतिवादी कवि की है, ये आपको बताना है। प्यासी पत्र यहाँ के है जो ये रचना किस कवि की है, प्रगतिवादी, किस प्रगतिवादी कवि की रचना है, तो यह है नागार्जुन जी की, आपको याद रखना है दोस्तों। ये अपूर्व है रचना, ठीक है। ये आपको पहले तो ये बताना है ये है किसकी, ठीक है। उसके बाद इसको आपको बताना है इसको कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ मिला था या सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इस रचना पर क्या पुरस्कार मिला था और ये किसकी है, ये दो क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर मैं बता देता हूँ कि भाई केदारनाथ अग्रवाल जी की यह रचना है, इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दोस्तों ये रचना है ताप के ताए हुए दिन, इसके ऊपर कौन सा पुरस्कार मिला था और किसकी रचना है, ये आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो ये त्रिलोचन जी की है रचना और इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा। त्रिलोचन जी के बारे में एक बार जल्दी जल्दी से नज़र निकाल लीजिए। वासुदेव सिंह इनका मूल नाम था। इन्होंने विदेशी छंद सानेट का प्रयोग करने वाले कौन थे, तो त्रिलोचन जी, याद रखना त्रिलोचन जी, ठीक है। हिंदी के अंदर विदेशी छंद सानेट का प्रयोग इन्होंने किया था। ताप के ताए हुए दिन में उस जनपद का कवि दरंत धरती दिगंत, ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। अगला, मिट्टी की बारात कह दीजिए या बरसात कह दीजिए, ये रचना किसकी और इसके ऊपर कौन सा पुरस्कार मिला था। मिट्टी की बारात कह दीजिए या बरसात कह दीजिए, इसके ऊपर कौन सा पुरस्कार मिला था और ये किसकी रचना है, तो दोस्तों ये रचना है शिव मंगल सिंह सुमन जी की और ये इसके ऊपर ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1961 से 70 तक की कविताओं का संकलन इसके अंदर किया हुआ है और एक बार नज़र डाल दीजिए अपने शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचनाओं के ऊपर, देख लीजिए कलकत्ते का अकाल है, मेरे पावन पुनीत है, ठीक है, या आप देख लीजिए खुद। लाल सेना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है, चल रही है उसकी कुदाली आज तो मुझ में जवानी, यह है शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं। दोस्तों ये जो आपको रचनाएं दिख रही है, हिमहास, कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन, ठीक है, अंजलि, आकाश गंगा, अभिशाप, एकलव्य, निशीत, चित्ररेखा, बादल की मृत्यु, ये जो रचनाएं आपको दिख रही है ये रचनाएं किसकी, अभी थोड़ा सा नाम आपको दिख गया होगा तो आप आंसर बताइए। तो ये रहा नाम और ये रही रचनाएं, आपको दो बार रिपीट भी करवा दिया, ठीक है। अब दोस्तों 2 मिनट के लिए आपको मुझे सुनना है, मैं प्रगतिशील काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनको आपको बोल के सुनाऊंगा और आपको सुनना है। तो पहली प्रवृत्ति के बारे में बता रहा हूँ कि प्रगतिवादी काव्य है जो शोषण का विरोध करता है। उसके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीवादियों के अत्याचारों का अंत करेंगे। प्रगतिवादी दूसरी मैं बता रहा हूँ जो प्रवृत्ति है, वो प्रगतिवादी कवि है शोषित में शक्ति देखते हैं क्योंकि शोषण इतिहास की गति और सामाजिकता के विपरीत है। तीसरी मैं आपको प्रवृत्ति बता रहा हूँ, प्रगतिवादी कवि श्रम में सौंदर्य देखते हैं, उनका सौंदर्य बोध सामाजिक मूल्यों से युक्त है, वे सहज सामान्य जीवन स्थितियों में भी सौंदर्य देखते हैं। चौथी मैं प्रवृत्ति बता रहा हूँ आपको, प्रगतिवादी कवि व्यंग्य के द्वारा विषमता का चित्रण है उसका विरोध करते हैं। पांचवी मैं प्रवृत्ति बता रहा हूँ, प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति और ग्राम जीवन के अनुपम चित्र खींचे।
छठी जो मैं इनकी विशेषता या प्रवृत्ति में बता रहा हूँ कि प्रगतिवादी कवियों ने प्रेम को सामाजिक पारिवारिक रूप में देखा और उसका चित्रण किया था। ये छह प्रवृत्तियां मैंने आपको प्रगतिवादियों की बताई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी इनसे बन जाता है दोस्तों। इस प्रकार से अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है, प्रगतिवाद भी कंप्लीट होता है। दो वीडियो के अंदर मैंने प्रगतिवाद 20 मिनट के अंदर मैंने प्रगतिवाद आपको पढ़ा दिया है। शायद आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें बस। थैंक यू।